हे गाइस, मेरी आज की वीडियो भारत के 11वें प्रेसिडेंट, जिन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर है। वीडियो का एंड तक जरूर देखना, इस बार बहुत सारे बोनस फैक्ट्स हैं एंड कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी हैं। किसी दिन मैं इसका एक डिटेल वर्जन बताऊंगा जो मेरा एक बेटर वर्जन रिजर्व करती है स्टोरी बताने के लिए। फॉर नाउ लेट्स गो विद द शॉर्ट वीडियो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अगस्त 1931 को पंबन आइलैंड रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत रिच थी, वो डिवोटीज को फेरी से नदी क्रॉस करा के रामेश्वरम ले जाते थे। हावेवर ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बाद उस फेरी बिजनेस की नीड नहीं रही और उसे बंद करना पड़ा, और अब्दुल कलाम सर के आते आते फैमिली ने अपनी अधिकतर जायदाद बेच दी थी। हियर इज अ फन फैक्ट, यूएन ने 2015 में अब्दुल कलाम सर के बर्थडे को वर्ल्ड स्टूडेंट डे घोषित कर दिया था उनके ऑनर में। एक बार उनके टीचर ने क्लास में बताया कि किसी को भी सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें चाहिए, तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा। और सेम क्लास में उन्होंने चिड़िया कैसे उड़ती है ये भी बताया। उस वक्त कलाम जो सिर्फ 8 साल के थे, उन्हें फ्लाइंग में इंटरेस्ट आ गया। फन फैक्ट, इस सपने के लिए ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया लर्निंग के लिए, नॉलेज अक्वायर करने के लिए, पर वो सेम टाइम पे न्यूज़पेपर भी बेचते थे ताकि फैमिली की हेल्प हो सके। उसी वक्त की बात है, वो हर सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के मैथ्स के ट्यूशन में जाते थे। इधर पे फन फैक्ट ये है कि वो टीचर किसी को पढ़ाते ही नहीं था जो बिना नहाए आता था। लेटर ऑन उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से फिजिक्स पढ़ी, 1954 में ग्रेजुएट हुए, और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी। उसी समय की बात है, वो एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे और डीन उसकी प्रोग्रेस को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि इसे 3 दिन के अंदर फिनिश करो वरना तुम्हारी स्कॉलरशिप रिवोक कर दी जाएगी। अब्दुल कलाम सर ने वैसे ही किया, उसे 3 दिन के अंदर फिनिश किया, वो भी बहुत ब्यूटीफुली, जिसके कारण डीन भी इम्प्रेस हुए। इसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत DRDO में होवरक्राफ्ट बना के की थी, पर वो अपनी जॉब को लेकर बहुत कन्फ्लिक्टेड थे, जिसके बाद उन्हें इसरो भेज दिया गया। अब इसरो में जाके वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने, एज वेल एज मेन ब्रेन बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-2, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को नियर अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया, मेकिंग इंडिया अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस क्लब। फिर इसके बाद उन्होंने SLV-3 और PSLV के ऊपर काम किया, दोनों प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए। कलाम ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सीक्रेसी में डायरेक्ट किए, इसके लिए उन्होंने यूनियन कैबिनेट को पर्सुएड किया, पर उसे पब्लिकली डिक्लाइन कर दिया गया। तब इंदिरा गांधी आई और उन्होंने सीक्रेटली थ्रू हर डिस्क्रिशनरी पावर DRDL को 16 करोड़ की फंडिंग दी। ऑल्दो दोनों प्रोजेक्ट असफल रहे, पर उसने एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन क्रिएट किया फॉर पृथ्वी मिसाइल एंड अग्नि मिसाइल। आई बिलीव फेल इज द मोस्ट ऑनेस्ट क्रिटिक इन द वर्ल्ड, ये हमको बताता है कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और जब हम इम्प्रूव कर लेते हैं तो हम और ज्यादा केपेबल हो जाते हैं। इट्स नथिंग लेस नथिंग मोर, इसको बिल्कुल भी डिमोनाइज मत करिए, ये सक्सेस का ही पार्ट है। अब्दुल कलाम सर ने भी परसिवियर किया, वो इम्प्रूव करते रहे इन फेलियर्स के थ्रू, और इतने ज्यादा केपेबल बन गए कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1992 से 1999 तक कलाम सर PM के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है, एट द सेम टाइम वो DRDO के सेक्रेटरी भी थे। इस पीरियड में Pokhran-2 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, जिसमें अब्दुल कलाम सर ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल एज वेल एज साइंटिफिक योगदान दिया। इस दौरान इंडिया ने 3 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किए और एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया। कलाम इसमें चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे और ग्रेजुअली देश के बेस्ट नोन न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने। इधर वे फन फैक्ट ये कि टेस्ट इतने सीक्रेटिव थे कि CIA को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, साइंटिस्ट ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, खुद की एक लैंग्वेज बना रखी थी, और हर चीज को रात में ही करते थे ताकि सैटेलाइट में क्लियर पिक्चर ना आए, और सुबह होने से पहले हर चीज को एज इट इज रख देते थे। बाय द वे, इसमें अब्दुल कलाम सर का कोड नेम मेजर जनरल पृथ्वीराज था। फिर 2002 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्होंने खड़े होने का प्लान बनाया। इसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सेगल को 9:1 के रेशियो से हराया। फन फैक्ट ये कि वो भारत के तीसरे ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्हें भारत रत्न मिला बिफोर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट। कलाम सर बहुत ही हम्बल और ग्राउंडेड है, उन्हें लोगों को देने में बहुत खुशी मिलती है, बी इट नॉलेज, वेल्थ और वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट। उन्होंने अपनी सेविंग्स और प्रेसिडेंशियल सैलरी से PURA ट्रस्ट चालू किया, विच स्टैंड्स फॉर प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। अब इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट क्यों बोलते हैं। वो एक बैचलर और प्योर वेजिटेरियन थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, वो लोगों की, कैटल की, नेचर की, सबकी इक्वली केयर करते थे। उन्होंने ओहदे के कारण कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इससे मुझे उनके चाइल्डहुड का एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट याद आया। जब वो छोटे थे, उन्होंने कांच के टुकड़े खिड़की पे लगाने का विरोध किया। ऑल्दो इसको लगाया तो इसलिए जा रहा था कि कोई चोर आए तो उसको चोट लग जाए या आए ना, पर कलाम सर के मन में तो ये था कि अगर कोई चिड़िया इसके ऊपर बैठ गई तो उसको चोट ना लग जाए। उन्हें 7 डॉक्टरेट्स मिली है 40 यूनिवर्सिटीज से फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्विस गवर्नमेंट ने उनके विजिट के ऑनर में 26 मई को साइंस डे घोषित कर दिया।
उन्हें पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997 में मिला। किंग चार्ल्स टू मेडल बाय रॉयल सोसाइटी इन 2007, प्रेस्टीजियस वुड्रो विल्सन अवार्ड इन 2008, वॉन ब्राउन अवार्ड बाय नेशनल स्पेस सोसाइटी और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक बैक्टीरिया पाया, इसका नाम सोली बैकिलस कलामली रख दिया गया अब्दुल कलाम सर के ऑनर में। 2015 में उनके ऑनर में इंडिया की मिसाइल टेस्ट साइट व्हीलर आइलैंड जो ओडिशा में है उसे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड MTV यूथ आइकन अवार्ड इन 2003 एंड 2006 एंड लिस्ट गोज ऑन। एज प्रॉमिस्ड, इस बार बहुत सारे बोनस फैक्ट्स है, एंजॉय। His last words to his aide, Sri Janpal Singh, were, "Funny guy, are you doing well?" वो बिलीव करते थे कि यूथ फ्यूचर है और इसे प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, नर्चर करना हम सब की ड्यूटी बनती है। एज एन एंडिंग नोट में चार चीजें बोलना चाहता हूँ जो अब्दुल कलाम सर सबसे रिपीट कराते थे। सो रिपीट आफ्टर मी। यू मस्ट हैव अ नेम, यू मस्ट अक्वायर द नॉलेज एसोसिएटेड विद इट, डेडिकेट योरसेल्फ टू अचीव इट एंड लास्टली पर्सेवर। ये चार ऐसी चीजें हैं जिसके कारण कोई भी इंसान अपना ड्रीम अचीव कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऊबर माइंडसेट।